आज से कुछ दिनों पहले मैंने बात करी थी नारुतो कोलैबोरेशन के बारे में कि मेरे को कुछ मिला है नारुतो कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट पता चला है जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि नारुतो कोलैबोरेशन कोई छोटा मोटा कोलैबोरेशन होने वाला है तो एक बात आप समझो, आज तक गरीना फ्री फायर ने पिछले 7 सालों में कोई भी कोलैबोरेशन 6 महीने पहले अनाउंस करके नहीं बोला है। तो आप ये समझो कि नारुतो कोलैबोरेशन कितना ही कोलैबोरेशन होने वाला है गरीना फ्री फायर के लिए। अब कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि भाई मेरे को ये वीडियो देखने को मिली 21 तारीख को, मैं आज 27-28 तारीख को ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ पर टाइम लग जाता है, आई एम रियली सॉरी। पर हाँ, ऑफ कोर्स इसके अंदर एक सर्वे की बात करी गई थी। अब बिग शॉट आउट टू फैक्ट्रॉइड भाई, अभिषेक भाई, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस वीडियो। अब ये सर्वे शायद आने वाला है हमारी गेम के अंदर या फिर आ चुका है, क्योंकि ये शायद किसी सर्वर में आ चुका है और हमारी गेम में आने वाला है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इस चीज को लेकर के, बट ऑफ कोर्स मुझे एक डेटा माइनर से ऑफ कोर्स देखने को मिला है ये वीडियो। एंड अगेन अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए गरीना फ्री फायर की तरफ से जो मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच स्टोरी लाइन आर यू फेमिलियर विद। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर मैं बताऊं ना तो मैंने आपको पहले भी बोला था गरीना फ्री फायर में ऐसा हो सकता है कि नारुतो कोलैबोरेशन के अंदर हमें एक स्टोरी लाइन, पर्टिकुलर स्टोरी लाइन एंड यहाँ पे थोड़े मैप चेंजेस भी नजर आ सकते हैं। मतलब ऑफकोर्स सी बात है बर्मुडा के अंदर ही मेन चेंजेस होंगे। हो सकता है कि भैया यहाँ पे गारा का विलेज हमारा कालाहारी दिखाया जाए एंड अगर हम बात करेंगे तो नारुतो का जो पीक होने वाला है उसको शायद रिवैम्प करा जाए हमारे शिपुडान एंड ये सारी चीजों से, मतलब आपको पता है लीफ विलेज के। एंड अगेन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी ग्रेट निंजा वॉर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मतलब सोनाडे का जो फेस बना था उसके बाद आपको बताइए कि वो हुकागे बनी थी एंड इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ये वाला सीन था। तो आप ये बताओ कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा एंड आप किससे ज्यादा फेमिलियर हो। एंड मुझे लगता है गरीना फ्री फायर कुछ ना कुछ बड़ा सीन करने वाली है, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। एक ऑफकोर्स एक ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना गाइस, ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो चुनिन एग्जाम हो तो ऑफकोर्स इसका जो पार्ट होने वाला है ये ऑफकोर्स हमें गेम में नजर आ सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्या पता ये वाला बैकग्राउंड हमें नजर आए हमारे स्पॉन आइलैंड के अंदर। एंड ये तो भाई बहुत एक्साइटिंग होने वाला, नारुतो सासुके एंड बैटल जो हुई थी आपको पता है सासुके नारुतो की एंड इंद्रा के तौर पे, तो वो सारी चीजें होने वाली हैं। एंड अगेन ये हमारी ज्योति कागुया को तो मारने वाला सीन, मैं चाहता ही चाहता हूं कि भैया कुछ ऐसे मोड्स आए। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीना फ्री फायर एक ज़ॉम्बी फाइट रख सकते हैं गेम के अंदर, एक ज़ॉम्बी मोड रख सकते हैं। इस चीज मतलब इस पूरे सर्वे को अगर आप जब देखोगे ना थोड़ा आपको पता चलेगा कि गरीना फ्री फायर ऐसा कर सकती है कि एक ज़ॉम्बी मोड, स्पेशल ज़ॉम्बी मोड है जिसके अंदर ना थोड़ा हम लोगों को नारुतो का ही ज्यादा स्टोरी लाइन पे हमें खेलते हुए नजर आए। मतलब जिस तरीके से नारुतो की स्टोरी लाइन आगे बढ़ी है उसी तरीके से यहाँ पे ही हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछे गए कि कौन से करेक्टर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है। ऑफ कोर्स सी बात है भाई यहाँ पे सुनाड़ी यहाँ पे भाई ऑफ कोर्स सी बात है नारुतो होने वाला है सबका फेवरेट, सासुके होने वाला है, काकाशी होने वाला है, साकुरा इज द ट्रैश, ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रैश। एंड अगेन अगर हम बात करेंगे करेक्टर्स के बारे में पूछा गया कि आप कौन से करेक्टर्स के, देखो यहाँ पे चूज 3 करेक्टर्स नारुतो विद द कूलेस्ट आउटफिट डिजाइन। तो ऑफ कोर्स सी बात है अगर इसमें बात हो रही है तो मैं ऑफ कोर्स जानना चाहूंगा यहाँ पे नारुतो का। तो भैया यहाँ पे अगर 90 ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कॉस्ट्यूम होने वाला उसका सेज मोड, ऑफ कोर्स मैं उसके साथ जाना चाहूंगा, अगर वो आता है तो भाई मजा आ जाएगा। इसके साथ साथ इताची का भैया यहां पे जब वो बन जाता है ना, मतलब यहां पे अपना ट्रांसफॉर्म कर लेता है, क्या नाम है उसका यार, तो वो वाला फॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम आए मतलब एनिमेशन के साथ वो स्विच करे, या फिर अगर मैं बात करूंगा तो काकाशी का कॉस्ट्यूम तो नॉर्मल तौर पे आप रख सकते हो, जैसे एक तरीके से नॉर्मल जो हमारे सिनोबी होते हैं उनके तौर पे आप रख सकते हो। सिनोबी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कई सारे सिनोबीज होने वाले जो नॉर्मल सिनोबी कॉस्ट्यूम रख सकते हो आप गेम के अंदर। एंड काफी सारी चीजें मुझे लगता है जो रखना चाहिए। भाई मैं एक चीज कहूंगा भाई, देखो अगर फीमेल में कुछ रख रहे हो ना सुनाडे रखो यार रखो भाई, उसका कॉस्ट्यूम चाहिए मुझे भाई गेम के अंदर। एंड साकुरा का मत रखना भाई यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे हिनाता का रख सकते हो, चूज 3 करेक्टर इन नारुतो दैट विश टू एग्जिट इन फ्री फायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से 3 करेक्टर जो आप चाहते हो कि गेम के अंदर पार्ट बने। अब देखो आपको पता है कि हर एक कोलैबोरेशन के बाद गरीना फ्री फायर किसी ना किसी करेक्टर को गेम के अंदर ऐड करती है, जस्ट लाइक क्रोनो आया हमारे रोनाल्डो के कोलैबोरेशन के बाद, आलोक आया आलोक के कोलैबोरेशन के बाद डिमिट्री और हमारा जो आया मतलब आपको पता है टीवा, वो आया हमारे लाइक माइक के कोलैबोरेशन के साथ, हमारा के करेक्टर आया कश्मीर के कोलैबोरेशन के बाद, और उसके साथ साथ एमएस धोनी की बात हो रही थी वो आएगा हमारा थला एमएस धोनी के कोलैबोरेशन के बाद। तो कहा जा रहा है कि भैया नारुतो के अंदर 1-2 कैरेक्टर ऐड हो सकते हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड भाई, यहां पे रखो भाई रखो, मैं चाहता हूं भाई यहां पे कुछ हो रसेंगान ऐसी चीजें, कुछ हो उस कैरेक्टर की एबिलिटी। एंड नारुतो का ऑफ कोर्स ही बात हो कैरेक्टर होना चाहिए। ओराचीमा यार, ये ओराचीमारू का कैरेक्टर क्यों रख रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे का कैरेक्टर रखने की क्या जरूरत है, पर फिर भी गाइस आप लोग बताना। एंड अगेन अगर हम बात करेंगे रॉक ली का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो नेजी का भी कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आने वाला है। नेजी का भाई मैं सच मानता भाई किसी ने तो बलिदान दिया था, वो निजी होने वाला है। व्हाट नारुतो जिजुत्सु डू यू लाइक थिंक द मोस्ट आइकॉनिक, ऑफ कोर्स ये बात है भाई ये सच्ची जुत्सु
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा अलग ही मूड में चल रहा हूँ, पर ऑफ कोर्स ये बताया गाइस यहाँ पे जिंजूर की ट्रांसफॉर्मेशन वन टेल मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे नाइन टेल टॉक जो उसका हमारा था जिजुत्सु हमारा नाइन टेल जो था वो वाला मुझे चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इसके साथ साथ अगर इसका ये वाला मोड आए ना गाइस यहाँ पे गामा बूटान होने वाला है, ये वाला मोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर ये चीज आती है गेम के अंदर मजा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इस बार बीजीएमआई के जैसे आते हैं ना कोलैबोरेशन मैप के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा लीफ विलेज बरमुडा के अंदर आना चाहिए। मैं चाहता हूं गरीना फ्री फायर ये करे अगर 6 महीने का टाइम ले रहा हो। बाकी इसके साथ साथ शैडो क्लोन जो उसने पहली बार करा था, ऑफ कोर्स बात है शैडो क्लोन बाद में जाकर मतलब नारुतो के बहुत अच्छे हो गए थे, पर ऑफ कोर्स बात है शुरू में तो उसने हगाई था। रसिंगान ऑफ कोर्स ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, ये मत रखना भाई 100 से भाई। गरीना फ्री फायर का मन क्या है? देखो गाइस यहां पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, अगर इनमें से एक भी चीज रख दी ना गेम भाई मैं निकालूंगा उनको भाई, पैसा देके निकालूंगा। 100 years ऑफ सफरिंग भाई ये कौन नहीं निकालना चाहेगा भाई। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे मैंने बोला था ना सेक्सी जुत्सु यहाँ पे होने वाला है हमारा, तो ये ऑफकोर्स इसका पार्ट रख सकते हैं गरीना फ्री फायर का। ये हमारा झिंझूर की ट्रांसफॉर्मेशन कुरुमा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग था गाइस, अगर इसको रखती है गरीना फ्री फायर बहुत ज्यादा मजा आएगा। कुरुमा को ऐसा ना भाई विलन नहीं भाई, मैं अगर गरीना फ्री फायर कुरुमा को अगर जॉम्बी मोड के अंदर ऐड करेगी ना मैं नाराज हो जाऊंगा अम्मा बहन भाई। यहाँ पे मुझे भैया यहाँ पे न करूँगा विलन पे नहीं चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जिन लोगों ने नारुतो नहीं देख रखा उसको विलन देखेंगे तो भाई कुरुमा का मुझे बहुत वो लास्ट सीन याद है भाई, वो छोड़ के जब चले जाता है। फ्री फायर लॉन्च दोस्त नारुतो जुजुत्सु इन गेम व्हाट एक्सटेंड यू टू विश टू प्ले, मतलब ऑफकोर्स ये होने वाला है। क्वालिटी इफेक्ट अगर टॉप नॉच हो तो यहाँ पे ऑफकोर्स बात है रसिंगान पे लोग खर्चा करेंगे, रसिंगान तो भाई मेन चीज होने वाली है नारुतो के अंदर भैया, यहाँ पे कौन नहीं लेना चाहेगा रसिंगान। इसके साथ साथ यहाँ पे होने वाला यहाँ पे नारुतो का ये समझ सकते हो कि रसिंगान काफी हद तक फिक्स होने वाला गेम के अंदर आएगा ही आएगा, मुझे काफी हद तक चांसेस लग रहे हैं रसिंगान हमारी गेम के अंदर नारुतो का पार्ट होगा ही होगा। ये चीज तो गरीना फ्री फायर ने मल्टीपल टाइम्स और कई सारे सर्वेस के अंदर पूछ ली जो पास्ट में मैंने देखे थे। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे होने वाला है रसिन सॉरिकन, तो ये ऑफकोर्स बात है ये हो सकता है, बट मुझे रसिंगान के ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो ज्यादा आइकॉनिक है। बाकी इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुरुमा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे थोड़ा लग रहा है गरीना फ्री फायर ये चीज कर सकते हैं, पर इसको किस तरीके से यूज करेगी सबसे बड़ा सवाल भी होने वाला है। फ्री फायर डू अ कोलैबोरेशन विद नारुतो, व्हिच टाइप ऑफ आइटम डू यू थिंक द मोस्ट वर्थी टू बाय? ऑफ कोर्स ये बात है यहां पे अगर लूट बॉक्स होगा तो वो भी लेना पसंद करेंगे, बट अराइवल एनिमेशन में जरूर देखना चाहता हूं कि किस तरीके की आने वाली है। अराइवल एनिमेशन के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड होने वाला अपनी तरफ से। बाकी मास्क का सबको बताया सबसे सेक्सी मास्क है हमारा कहां पे काकाशी का, तो वो काकाशी का मास्क हर कोई लेना चाहेगा। एंड स्किल रीस्किन जो होने वाली है ऑफ कोर्स ये बात है, अगर ये चीज से मुझे काफी क्लियर लग रहा है कि गाइस यहां पे ग्रीन फ्री फायर कुछ ना कुछ तो करेक्टर ऐड कर सकते हैं नारुतो की स्टोरी लाइन से, नारुतो आ सकता है एज अ करेक्टर हमारी गेम के अंदर। अगेन यहां पे पूछा गया कि स्किल रीस्किन होने वाली है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कई बार आपको पता होगा वुकंग के ऊपर बर्फ की स्किन लग जाती है, यहां पे होमार के ड्रोन अलग अलग तरीके से आने लग जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है उसमें भी जैसे अभी हमारा हाल ही में आया था वो जो समर वाला थीम आया था स्प्लैश वाला हमारे आलोक के ऊपर, आलोक के ऊपर ही था ना शायद वो, हाँ आलोक के ऊपर ही था, तो वो चीज आपको नजर आएगा, तो ये चीज हो सकती है। इसके साथ साथ मैली वेपन्स होने वाले कटाना, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि यहाँ पे कटाना में तो मेरे ख्याल से एक ही कटाना ऐड करेगी गरीना फ्री फायर वही हमारे सास्के की, उसके अलावा मुझे तो नहीं लग रहा कुछ और गरीना फ्री फायर ऐड कर सकती है। बाकी अगर हम बात करेंगे फीस स्किन के तौर पर यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ऐड करते हैं, गन स्किन में थोड़ा एक्साइटेड रहूंगा बट इतना ज्यादा नहीं। बंडल्स में सबसे ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ मैं, इमोट्स में सुपर एक्साइटेड होने वाला, बैकपैक से मुझे इतना ज्यादा मतलब नहीं होने वाला। बाकी बैकपैक में गरीना फ्री फायर वही हमारा जो सिनोबी वाला होता है छोटा सा वो स्क्रोल जैसा बैकपैक होता वही मेरे ख्याल से रखने वाली है। एंड स्काईविंग के बारे में बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, देखते हैं कि स्काईविंग में अगर गरीना फ्री फायर कुरुमा उरुमा कुछ ऐसा निकालती है ना भैया गारा वारा जैसा भैया यहां पे सैंड पे उड़ करके आ रहा तो मैं थोड़ा एक्साइटेड होने वाला हूं। व्हीकल स्किन देखते हैं गाइस किस तरीके की आने वाली है। हेडवेयर में आपको पता है कि निंजा होने वाले, तो हेडवेयर तो ऑफ कोर्स नजर आने वाला है हमारा सिनोबी का लीफ सिनोबी, मतलब 2025 के अंदर जैन के अंदर तो बिग हाइप होने वाली है गेम की। एंड और भी काफी सारी चीजें गरीना फ्री फायर अनाउंस करने वाली जैन के माध्यम में आपको बोलना चाहूंगा। नारुतो के साथ साथ बहुत कुछ अनाउंस होगा गेम के अंदर एंड एक नई रीस्टार्ट होगा गेम के लिए, आप कह सकते हो कि सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए गरीना फ्री फायर का एक बहुत अच्छा रीस्टार्ट है एंड एक बहुत अच्छा रीसेट बटन दबाया उन्होंने। बाकी ये देखो गाइस मैं आपको ही बताना चाहूंगा, देखो इस अल्टीमेटली सारी चीजों से हमें ये चीज तो क्लियर हो रही है कि सबसे पहली चीज तो करेक्टर आने वाला है नारुतो का, ये चीज कंफर्म लग रही है काफी हद तक। सेकंड चीज होने वाली गेम के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, स्पेशल ज़ॉम्बी मोड की मुझे उम्मीद लग रही है, स्पेशल क्राफ्टलैंड मोड की मुझे उम्मीद लग रही है जो गरीना फ्री फायर इसकी स्टोरी लाइन पे देने वाली है। एक या दो क्राफ्टलैंड मैप की मुझे उम्मीद लग रही है या फिर हमारे गेम के अंदर नॉर्मल मैप्स की उम्मीद लग रही है। जो हिडन लीफ विलेज और हमारी पूरी पूरी बैटल सिचुएशन होने वाली है, मतलब जो मदारा वर्सेस ऑल हुआ था ना वो वाली मुझे लग रहा है कि वो वाला सीन से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं या फिर हमारा कुछ ना कुछ आइकॉनिक निकालेगी गरीना फ्री फायर। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गेम के अंदर काफी सारी स्किन्स आने वाली है जो चीज कंफर्म होने वाली है। और एक और चीज कंफर्म है इस चीज से इस वीडियो के अंदर कि देखो इस बार का जो नारुतो कोलैबोरेशन उसको गरीना फ्री फायर बहुत ज्यादा सीरियस लेके चल रही है। गरीना फ्री फायर के लिए हमारा गेम चेंजिंग कोलैबोरेशन होने वाला है। बाकी आप लोग बताओ अपने थॉट्स कि आपको क्या लगता है कि नारुतो कोलैबोरेशन
किस लेवल पे जाने वाला है। आपकी जो थॉट्स होंगे मैं जरूर से पढ़ना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आप जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टिल एंड टेक केयर, बाय बाय और टाटा।